नमस्कार, खासखबर.com में आपका स्वागत है। मैं हूं पलक गुप्ता। न्यूज हेडलाइंस में सबसे पहले देखते हैं देश की खास खबरें। रेसलर्स ने कहा, हम अपने मेडल गंगा में बहा देंगे, इंडिया गेट पर भूख हड़ताल करेंगे। दिल्ली शराब घोटाले में सिसोदिया को बेल देने से दिल्ली हाईकोर्ट का इनकार। शाहबाद डेयरी हत्याकांड, आरोपी साहिल 2 दिन की पुलिस रिमांड पर। CDS बोले, मणिपुर हिंसा जातीय संघर्ष, उग्रवाद नहीं, हालात ठीक होने में समय लगेगा। धनबाद हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों को पीएम राहत कोष से 2-2 लाख, मोदी ने जताई संवेदना। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर के इम्फाल में विभिन्न नागरिक समाज संगठनों के प्रतिनिधि मंडलों के साथ की मुलाकात। कर्नाटक में रेड बर्ड एविएशन की ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट की इमरजेंसी लैंडिंग, पायलटों को आई मामूली चोटें। भाजपा सांसद हंसराज हंस ने शाहबाद जाकर पीड़िता के परिवार से की मुलाकात, आरोपी साहिल को फांसी देने की मांग की। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने CPI.M नेता सीताराम येचुरी से की मुलाकात। शादी के 7 दिन बाद कानपुर में महिला नकदी व जेवरात लेकर फरार। कंबोडिया के राजा नोरोडोम सिहामोनी का राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत। आइए अब नजर डालते हैं राज्य की प्रमुख खबरों पर। खड़के से मुलाकात के बाद गहलोत ने पायलट के साथ काम करने की उम्मीद जताई। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने नहीं ली फायर NOC, नगर निगम ने दिया नोटिस। जोधपुर में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, नाथद्वारा में कुश्ती अकादमी और स्टेडियम का होगा निर्माण। दिल्ली में साक्षी की निर्मम हत्या के विरोध में ABVP छात्रों ने टायर जलाकर किया उग्र प्रदर्शन। अब नजर डालते हैं बॉलीवुड की खास खबरों पर। चमकीला का टीजर रिलीज, बिना पगड़ी के नजर आए दिलजीत दोसांझ। दृश्यम एक्ट्रेस इशिता दत्ता ने किया घर का गृह प्रवेश, परिवार वालों के साथ की पूजा अर्चना। वेब सीरीज रफू चक्कर का टीजर आउट, मनीष पॉल करेंगे OTT डेब्यू, 15 जून से जियो सिनेमा पर होगी स्ट्रीमिंग। अब देखते हैं खेल जगत की खास खबरें। CSK की जीत के बाद कोहली ने चैंपियन जडेजा की जमकर तारीफ की। IPL खिताब जीतने पर स्टालिन ने CSK को दी बधाई। 5वां IPL खिताब जीतने के बाद धोनी ने अगले सीजन में वापसी का इशारा किया। जडेजा ने CSK का 5वां IPL खिताब धोनी को डेडिकेट किया। अब नजर डालते हैं कारोबार जगत की खास खबरों पर। 2023-24 में GDP ग्रोथ 6.5% रहने का अनुमान, महंगाई से मिल सकती है राहत, RBI ने जारी की एनुअल रिपोर्ट। एंड्रॉइड पर बिजनेस के लिए स्टेटस आर्काइव फीचर शुरू कर रहा है WhatsApp। 12 मिनट में चार्ज होने वाला इलेक्ट्रिक 2-व्हीलर भारत में होगा लॉन्च। आइए अब देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत की खास खबरें। युगांडा में समलैंगिक संबंध बनाने पर सजाए मौत, LGBTQ के खिलाफ दुनिया का सबसे सख्त कानून पास। एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी ने शुरू किया हिंदी कोर्स। लाहौर कॉप्स कमांडर हाउस पर हमले को लेकर इमरान को पूछताछ के लिए बुलाया। खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भी खबरें विस्तार से जानने के लिए हमारी वेबसाइट www.खासखबर.com पर लॉगिन करें। नमस्कार।